आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम ब्रेड की एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जो कि स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। ब्रेड की डिश बनाने के लिए हमने 4 ब्रेड लिए हैं, आधी कटोरी साबुत मूंग लिए, एक आलू लिया है, आधी कटोरी धनिया, एक हरी मिर्च, आधी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 2 बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले हम मूंग को 5-6 घंटे के लिए भिगो देते हैं। हमारी साबुत मूंग को 5 घंटे हो गए हैं भिगे हुए। सबसे पहले हम अपनी दाल का पेस्ट बना लेते हैं। हमने दाल का पेस्ट बना लिया है, लेकिन इसको बारीक नहीं करनी, थोड़ी दरदरी रखनी है। अब हम ब्रेड को गोलाई में काट लेते हैं। ये हमने इस तरह की कटोरी ली है एक। अब हम ब्रेड के पीस को उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और दबा देंगे। ये दबा दिया हमने और ये गोलाई से कट गई है गोलाई में। ये देखिए, सभी ब्रेड को हमें ऐसे ही काट लेना है। हमने अपनी सभी ब्रेड को गोल काट लिया है। हमने आलू को छीलकर कद्दूकस कर लेना है और मिर्च को बारीक काट लेना है। हमने आलू को कस लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देते हैं क्योंकि हमारा आलू काला पड़ जाएगा। अब हम आलूओं का पानी निचोड़ देते हैं। यह आलू हमने अच्छी तरह से धो लिए थे। आलूओं का पानी हमने निकाल दिया है, लेकिन हम अभी हम इनको हाथ से निचोड़ेंगे जिससे इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इन आलूओं को हम दाल में मिला रहे हैं। अब इस मिक्सर के अंदर हम सारे मसाले मिला देते हैं। नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और हरा धनिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये अच्छे से हमने मिला लिया है। यदि आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। तेज गैस पे हमने पैन रख दिया है और इसके अंदर ये ऑयल डाल रहे हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, जब तक हम ब्रेड पे मिश्रण लगा देते हैं। जैसे हमारे बच्चे दाल नहीं खाते हैं, इस तरह से आप बना के खिलाएंगे तो बच्चे दाल भी खाना सीख जाएंगे। हम अपनी गैस मंदी कर देते हैं। ब्रेड हमने तैयार कर लिया है। अब इनको हम सेक लेते हैं। इस तरह धीरे से रखें इसमें और दो दो करके आराम से सेक लें। यदि आपका बड़ा तवा है तो आप 3-4 भी एक साथ सेक सकते हैं। ब्रेड को यदि आप इस तरह से खाएंगे तो सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। अब हमारी ब्रेड एक तरफ से सिक चुकी है। अब इनको हम धीरे से पलट देते हैं। दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही सेकने हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया। बच्चों को तो ऐसा लगता है जैसे हमें टिक्की मिल गई है। अब ये हमारे दूसरी साइड से भी सिक चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारी ब्रेड और दाल की टिक्की खाने के लिए तैयार है। यदि आप इस तरह का नाश्ता सुबह को कर लें तो पूरे दिन भी आपको भूख नहीं लगेगी और ये हेल्दी भी है। खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।